ब्रह्म विचार स्वरूप माँ सरस्वती जी राम भक्ति में जीव को रमाने के लिए गंगा मैया, क्या करना किससे बचना अर्थात क्या करना क्या नहीं करना का प्रकाश करने वाली माँ यमुना जी और इस संत भगवान का चलता फिरता समूह समुदाय समाज जंगम मने आज यहाँ कल वहां चलता फिरता जो जग जंगम तीर्थ राज सर्वत्र जीव मात्र को सुलभ है किसको अतु जो सेव ही सुकृति वृंद जो पुण्यशाली हो जो पुण्यशाली हो इस कलयुग में उसको ये संतों का समाज सब जगह सुलभ है। देखिए संसार में शुद्ध विचार और अशुद्ध विकार दोनों सर्वत्र सुलभ है। जिसकी जैसी चित्त की स्थिति हो वैसा वैसा व्यवहार कर ले वैसा वैसा प्राप्त कर ले और उस उसमें रम जाए। दोनों के परिणाम भी दिए दोनों के परिणाम बताए हैं। परिणाम का स्मरण करके अध्ययन करके विचार करके थोड़ा सा सुन करके सावधान होना चाहिए। अब वो दोहा स्मरण आ रहा था आ गया उठ गया। संत सताये ते मिटे राज लक्ष्मी वन ना मानो तो देख लो कहां संसार में रावण कौरव कंस संत सताये ते मिटे राज लक्ष्मी वंश ना मानो जा देख लो रावण कौरव इसलिए भी हम लोग भगत हैं किसी को त्रास क्यों देंगे। मन में त्रास देने का भाव भी उपस्थित नहीं होना चाहिए ये भक्त का स्वभाव हो। अपने सत्कर्म एकत्रीकरण में हमको आपको लगना है सत्कर्म ही एकत्रीकरण के करण करने के लिए हम यहां उपस्थित हैं यहां उपस्थित रहे और घर भी जब जाते हैं तो वहां भी एक ही प्रकार का चिंतन होना चाहिए कि अब हम तीर्थराज प्रयाग में सेवा देकर आए हैं प्रयाग की गोद में रहे हैं तो हमारे सारे अपकर्म भस्मीभूत हो गए बड़ा से बड़ा अपकर्म भी यहाँ स्तंभित होकर विनष्ट हो जाता है भस्म हो जाता है डूब जाता है त्रिवेणी जी के गोद में। तब हमको यह जीवन आगे का समय भगवत प्रेम भगवत भजन में रमते हुए और निर्विघ्नता पूर्वक भगवान की शरण में जाने की यात्रा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं जे यथा माम प्रपद्यन्ते जो जैसा जिस प्रकार जिस भाव से मेरे में मेरे को मेरे ही भाव में उपस्थित होकर स्मरण करता है मैं उसको उसी भाव से स्मरण करता हूँ। तांस तथैव भजाम्य हम एक भाव अनेक भाव नहीं केवल एक भाव। नव में से एक भी भक्ति साधन करते हुए प्रयागराज में बैठकर संकल्प लिया जाए और उसी नव पथ में एक पथ पर चला जाए। देखो आप लोग भगत को अनेक पथ पर यात्रा नहीं करना चाहिए
भगत को कभी भी पालचून का बानिया नहीं होना चाहिए। ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे, वैसा भी कर लेंगे। परचून का व्यापारी दुनिया के सारे सामान रखना चाहता है, कोई ग्राहक दुकान से वापस न जाए। भगत को परचून का बानिया नहीं बनना चाहिए, भगत को केवल और केवल भगवत भजन में गति करना चाहिए। हर घड़ी एक ही नशा चढ़ा रहे, एक ही भाव बना रहे। तो नया पद आया था ना, अभी गाए थे हम, नया पद है। आप में से जो खैरी खाते होंगे उनको सावधान रहना चाहिए। ए भगत को खैनी वैनी कहा चबाना यार, ही खाना कि खैनी खाना, डेथ से निकले। भगत को भजन करना हो, देखिए क्या लिखा है, श्री हरिजन जी महाराज ने लिखा, अद्भुत नशान शीली है, अद्भुत नशान शीली है, कहा श्री राम रंग में, अद्भुत नशान शीली है, श्री राम रंग में, अद्भुत नशान शीली है, श्री राम रंग में, अद्भुत नशान शीली है, श्री राम रंग में, ऐसी
भूत